आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से शहीदा कॉलोनी MR पार्क वार्ड क्रमांक 4 में, और यहाँ की आम जनता हमारे साथ आई। यहाँ की आम जनता से इस वार्ड के क्या मसले मसाइले इस ताल्लुक से बात करते हैं। सर आपका तारुफ बताइए। अब्दुल्ला जिलानी। आपके वार्ड में क्या मसले हैं सर? 4 नंबर। सर ये अभी पानी की लाइन डाले यहाँ पे, मगर खाली आधी नहीं हुई। नहीं नहीं डाली ही नहीं, खाली नाली खोदे, वीडो बना दिए और चले गए, वीडो बनाए और चले गए। कुछ बाकी पाइप भी नहीं डाले, पाइप अभी वहाँ वही रखे आला है, पाइप वही रखे आला है, कोई काम नहीं करे, ना रोड बनी ना चम्मर लाइन, नहीं कुछ नहीं। खाली आते माप लेके चल जाते, कुछ काम नहीं होता, कुछ नहीं होता। एरिया का डेवलपमेंट कितने साल से रुका हुआ? ये कम से कम 10-11 साल हो गए। 2015 से रुके आला है। 2015 से हाँ। अच्छा आधा, और वहाँ से मेन रोड से सिर्फ आधा तक बनाए। एक सवाल ये है आपसे कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने पूरे औरंगाबाद शहर की रोडें बनाई है, यहाँ तक के फ्रंट के शहीदा कॉलोनी की भी कुछ रोडें बनी है उनकी निधि से, तो ऐसी क्या खास बात है? खासदार साहब ने यहाँ की रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ के डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो इनका फोकस नहीं है ना इधर, इनका फोकस नहीं है और इनका कुछ इधर कुछ है ही नहीं ना, उसके बाद आ रही भी नहीं। वो क्या बात है, फ्रंट का काम होता है, कोई भी चीज़ का जो होता है फ्रंट में काम होता है, बैक के अंदर काम नहीं होता है। उनको भी अंदर बैक में आके देखना चाहिए क्यों। हाँ, और एक फ्रंट का रास्ता हुआ है गुलशन मस्जिद के पास में, तो वहाँ पे भी जो है वो उधर के लोगों ने किया है, अब वो किसके थ्रू आया है वो पता नहीं, बट उन्होंने अंदर के साइड में काम नहीं किया। आपने इलेक्शन में वोटिंग किए थे? हमने बरोबर वोटिंग किए थे, वोटिंग किए थे करके बोलने का हक है हमें, अगर वोटिंग नहीं करते तो हमें बोलने का हक नहीं होता है। आपने जो वोट किया है, हाँ, वोट के बदले में आपको उसका मुबदला, आपका उसका हक मिला क्या? अब तक तो नहीं मिला, क्योंकि हमारा डेवलप देखो है, आप एक रास्ता ठीक नहीं है, ये ऊपर की लाइट देखो कैसी छोड़ी हुई है, लाइट भी नहीं है, एक बल्ब तक नहीं है रोड के ऊपर। जब माँ बहने जब रात का जाती है तो अंधेरे से आना जाना होता है यहाँ पे। अब आने वाले अब इलेक्शन सर पे आ गए हैं खासदार के, तो आपको क्या लगता है खासदार इम्तियाज जलील साहब वापस चुन के आएंगे? पर्टिकुलर एक आदमी का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, या पर्टिकुलर खासदार साहब का ही जिम्मेदारी नहीं होती है, नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है, आमदार की जिम्मेदारी होती है, जो होती है स्टेप बाय स्टेप होता है, इसको समझ रहे हो मेरी बात को, जो हर चीज़ होती है तो स्टेप से होती है, डायरेक्ट अपन खासदार साहब कोई क्लेम नहीं कर सकते भाई कि खासदार साहब ने नहीं किया, खासदार का काम नहीं है। हर चीज़ खासदार साहब के अंडर में नहीं आती है, कुछ नगर सेवक का भी काम होता है, कुछ आमदार का भी काम होता है, तो हमारा बोलने का मतलब एक ही है कि कोई भी काम होता है तो मिलजुल के होता है। सही, ये जो बताए ये सही है, और ये रोड के मसले है, पानी का बहुत मसला है यहाँ पे, पीने का पानी नहीं, नहीं बारिश का पानी आया था, पीने का पानी, हाँ पीने का तो पानी है ही नहीं, नल है नहीं यहाँ, हाँ नल तो आए नहीं अभी, अब बोरिंग है, बोरिंग भी सूख गए सब। हाँ, आपके प्रशासन से क्या मांगे? पानी का इंतजाम करना है, कुछ देखना है कि पानी का हो गया, डेंगू का हो गया, जब से मैं जब से घर बने जब से रोड ही नहीं यहाँ पे, 10 साल हो गए हुए, 10 साल। इन 10 सालों में किसी आमदार खासदार का कभी ध्यान आया है यहाँ पर? नहीं नहीं कोई नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं, कोई नहीं आमदार खासदार कभी यहाँ पे चक्कर मारे इन 10 सालों जी? नहीं, अंदर आपके वार्ड की हालत देखने के लिए? नहीं नहीं कभी मैंने तो नहीं देखा जी। नहीं नहीं आपकी मांग क्या है प्रशासन से अभी? यहाँ रोड बनना चाहिए, पानी, ड्रेनेज और लाइट का मसला है। लाइट का मसला, ठीक है। हाँ सर, ये रोड आप देख रहे हैं यहाँ पे मट्टी की रोड है, देखो हम यहाँ पे 4 महीने के बाद अब बारिश लग जाएगी, यहाँ कीचड़ गान हो जाएगा, तो आपका प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी यही मांग है, ये जो शहीदा कॉलोनी है, शहीदा कॉलोनी के फ्रंट में तो लोग कर देते, अंदर आगे कुछ देखते नहीं, अब अंदर आने के बाद देखना है कैसे बच्चे कैसे रहते, वायर कैसे लटके हुए है, लाइट चल जा रही है, रोड बराबर नहीं है, अब 2-3 दिन हुए कुछ पानी वगैरह बरसात आ गई है, पूरा भर जाता है यहाँ, पूरा ड्रेनेज वगैरह सब तुम जाता, तो हमारी मांग है अच्छे से अच्छे पूरा सब साफ़ हो जाए, अब रोड वगैरह सब बन जाए अच्छे से, सब डेवलपमेंट हो जाए, DP वगैरह सब हाँ सब MSVDO वगैरह, ये वायर वगैरह सब बच्चे खेलते रहते हैं,
ज़्यादा प्रशासन से मांगे, बस अच्छे से अच्छे रोड बन जाए। लो पटेल को बोल दे भाई ने जो बोले सही है, मसला वही है कि रोड का है और हमारे बार बार झगड़ा होता है यहाँ पे रोड के कारण, पानी के कारण। और पीछे जो हमारे पीछे जो है ना, तो उधर डेनी अपने लाइन पानी की लाइन आ चुकी है, इधर अभी तक की लाइन वगैरह नहीं आई, ना इसके अंदर पाइप डाले गए ना कुछ डाले गया। कितने साल हो गए सर इसको? 10 या 12 साल हो रहे हैं। हम तो 12 साल से इधर है, 12 साल से देख रहे हैं, तो 12 साल से अभी तक क्यों कुछ आया नहीं है। मैं साल से मतलब आपको कोई सुविधा नहीं, कोई कोई भी सुविधा नहीं है हमारे प्रशासन की, कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं आया। सर ये जो इलेक्शन आने वाले, ये इलेक्शन में आप मतदान करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? वो तो जिसको करना है, हम तो जो काम करेंगे, जो हमारे को हमारा काम करेगा हम उसी को करेंगे। सर ऐसा हो रहा है कि आप मतदान कर रहे हो लेकिन आपको मूलभूत सुविधाओं से आपको वंचित रहना पड़ रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लीडरों को जो वोट लेके काम नहीं करते? उनको क्या संदेश दे? वो जब वोटिंग का टाइम होता है ना, तब वो हमारे पास आते हैं, वही बस ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठे आश्वासन देते हमें। और जिस दिन आ गए उन्होंने, वो जब से वो दिखते ही नहीं हमें, कहाँ गए कहाँ नहीं। आखिरी सवाल था सर आपसे, जी खासदार इंतजाजी साहब कभी यहाँ पे विजिट करके आके यहाँ के मसलों के आम जनता से आपसे कभी पूछे क्या कि आपके क्या मसले हैं, आपको पानी है क्या नहीं है, रोड है क्या नहीं? आज तक के तो खासदार साहब से मुलाकात हुई नहीं ना, हम इधर कभी आए वो उनके बारे में तो नहीं बोल सकता ऐसा कुछ, क्योंकि आज तक की मुलाकात हुई नहीं, इधर तो दिखी नहीं हमें, इसलिए नहीं बोल सकता हूँ। जी क्या मसला है सर? मसला तो सर ये रोड का ये है कि भैया देखो, एक तो कॉन्क्रीट का रोड नहीं है, दूसरी बात बारिश में बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ 2-4 बार बुज़ुर्ग लोग जो तो नीचे गिर भी हैं, दूसरी बात बारिश में बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ 2-4 बार बुज़ुर्ग लोग जो तो नीचे गिर भी चुके हैं। यहाँ रोड बना है, सिर्फ आगे 50 फीट तक रोड बना हुआ है, वो भी कौन सी पार्टी ने बनाया कुछ उसका कोई किसी को जजमेंट नहीं है। उसके पीछे फिर अंधेरे में क्या है वो हम कुछ मालूम है, सामने सामने का सबको दिखता, सामने से सब चले जाते। अभी पीछे जो तो पानी की लाइन भी डल चुकी है, मगर हमारे एरिया में पानी की लाइन की भी कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है, कोई उनके पास शेड्यूल नहीं है। तो हमको बस ये होना कि भाई यहाँ पे जो पानी की जो लाइन सब जगह चल रही है वो हमारे एरिया में भी आ जाए और यहाँ से भी निकल जाए। यहाँ आते हैं, यहाँ पे काम होते हैं, मगर हमारा एरिया भी 10 साल से ये ऐसी कैसी है, और अभी शहर में वापस बारिश चालू होंगी वापस होंगे, या बुज़ुर्ग है ये सब पानी में गिरते पड़ते हैं, तो इसका सोल्यूशन हम किसके पास लेके जा रहे हैं? सबसे पहली बात, हमारे वार्ड में जो तो नगर सेवक नहीं है, एक नगर सेवक थी वो बेचारी कौन थी नहीं मालूम, उसके बाद भी गए थे। हो चुकी है सर, बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, प्रशासक है सिर्फ प्रशासक है अभी सिर्फ प्रशासक है, तो प्रशासक भी हमारी तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है अभी, तो हम उनसे विनती करते हैं भाई हमारी तरफ भी थोड़ा ख्याल करो, हम भी आपको हमारे पास आएंगे तो हमको भी आपके पास आना पड़ेगा, खाली हमारे वोटों से काम नहीं होगा, हमको कुछ सुविधा मिलेंगे तो सामने वाला क्या है पार्टी की भी देखता है वोट भी देखता है, खाली आएंगे आप और चले जाएंगे दिलासा देके तो ऐसा नहीं होता। ये खासदार साहब, आमदार खासदार कभी यहाँ पे इन 10 सालों में विजिट किए आपके एरिया में? ये सहीदा कॉलोनी में तो किए हैं, मगर हमारे ऐसे एरिया में नहीं किए, आते रोड पे होते उनके प्रोग्राम होते हैं वैसे वो चले भी जाते, हमारे एरिया में अभी तक कोई भी नहीं आया, ना खासदार साहब आए ना आमदार साहब आए यहाँ। तरावी पड़े मतलब तो आज आपने देखा हमने यहाँ पर शहीदा कॉलोनी MR पार्क की आम जनता से बात की है, और यहाँ की आम जनता का ये आरोप है कि तकरीबन यहाँ पे 10-15 साल से इस वार्ड को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है, ना ही यहाँ पे रोड्स है, ना ही चैम्बर लाइन है, ना ही पीने की लाइन है और ना ही स्ट्रीट लाइट्स है। यहाँ की आम जनता की इतनी मांग है जल्द से जल्द इन्हें इस मूलभूत सुविधाओं से उपलब्ध कराया जाए। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार।
कान राफी मोहम्मद के साथ।